दिल्ली सर्विस ऑर्डिनेंस की जगह लेने वाला विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश होगा। केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी है। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, राज्यपाल सरकार की सलाह से ही फैसले ले सकते हैं। इस पर केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई थी, अब उसे ही मंजूरी दिलाने के लिए विधेयक लाया जा रहा है। इस विधेयक को लेकर 26 दलों वाले इंडिया गठबंधन ने आम आदमी पार्टी के समर्थन का ऐलान किया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कई राज्यों का दौरा कर इस बिल के विरोध में जेडीयू, आरजेडी और एनसीपी जैसे दलों का समर्थन जुटाया था। इन पार्टियों का कहना है कि वे राज्यसभा में बिल के विरोध में वोट करेंगे। यहां तक कि विपक्षी गठबंधन की मीटिंग में आने के लिए भी आम आदमी पार्टी ने बिल के विरोध में साथ आने की शर्त रख दी थी। इसके बाद कांग्रेस ने लंबे मंथन के बाद बिल के खिलाफ मतदान का फैसला लिया। कांग्रेस का कहना था कि संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी चीज का हम विरोध करेंगे। इंडिया महागठबंधन में कुल 26 दल शामिल हैं। इसके अलावा एनडीए ने भी 30 दलों को साथ लेकर ताकत दिखाई है। ऐसे में दोनों गठबंधनों की ताकत का पहला परीक्षण इस बिल पर ही होने वाला है। भले ही बीजेपी राज्यसभा में 93 सीटें लेकर बहुमत से दूर है, लेकिन एनडीए की सभी सीटें मिलाकर आंकड़ा 111 का है। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी जैसे दल अगर उसके साथ आते हैं तो फिर बिल के पास होने की संभावना बढ़ जाएगी। माना जा रहा है कि इस बिल पर सदन में जोरदार हंगामा और मुकाबला दिख सकता है। वहीं इस मामले पर आम आदमी पार्टी का भी बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद संसद में कोई विधेयक पेश नहीं किया जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कई विधेयक संसद में पेश और पारित किए गए हैं। मैं अध्यक्ष से अपील करता हूं कि कोई विधायी कार्य लोकसभा में ना करें। दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, अगले हफ्ते का क्या बिजनेस रहेगा, कौन से विधेयक लाए जाएंगे, किन पे चर्चा और मतदान होगा, उसके वर्णन किया गया, उसके बारे में बताया गया और ये सूचना दी गई है कि दिल्ली का अध्यादेश दोनों सदनों में लाया जाएगा। इसका पुरजोर विरोध होगा और ये पहले तो नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि जब तक लोकसभा में अविश्वास मत, जिसको स्वीकृति मिल गई है, उस पर फैसला नहीं होता, मतदान नहीं होता, तब तक और कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस, विधेयक लाकर चर्चा और मतदान कराना गलत माना जाता है, नियमों के विरुद्ध माना जाता है। और दूसरी चीज, ये अध्यादेश जो है ये मोटे मोटे तौर पर गैर संवैधानिक, अलोकतांत्रिक और संघीय ढांचे के विरुद्ध जाता है, उसके खिलाफ है, इसका पुरजोर विरोध होगा। और ये कोई सिर्फ सियासी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई धर्म बनाम अधर्म की है, सच्चाई बनाम बुराई की है, सत्य बनाम असत्य की है, जिसमें धर्म, सच्चाई और अच्छाई हमारे साथ है, बुराई, असत्य और अधर्म भाजपा के खेमे में है। और क्योंकि धर्म हमारे साथ है, ये ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारा साथ देंगी और अवश्य हम दिल्ली के अध्यादेश को रोक पाएंगे।